नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मोदी गवर्नमेंट का 8 वर्ष पूरे होने के तहत आज बीजेपी पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां पर वहां के पार्टी लीडर्स ने मोदी गवर्नमेंट के 8 ईयर्स के अचीवमेंट के बारे में बताया और कई सारी स्कीम्स के बारे में भी बात की। और उन्होंने नमो ऐप के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे लोग उसमें जाकर कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन कर सकते हैं ताकि हमारे देश का विकास में हिस्सा बने। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकें। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि सेवा सुशासन और जो ये गरीब कल्याण का कैंपेन चल रहा है, ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के बारे में अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताने के लिए नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपके जो लास्ट माइल तक ये सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का कैंपेन ही नहीं, इवन स्कीम से लाभार्थी जुड़ गए हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे। और आप सबको जिसको इससे लाभ मिली है उनको ये बताने के लिए कि आप दूसरे को भी बताएंगे, जो हमारे सैचुरेशन स्वाइप जो मोदी गवर्नमेंट का है कि हम लास्ट माइल तक सैचुरेशन क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप अभी हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को भी इसे अवेयरनेस दें। और इसके लिए सिर्फ कार्यकर्ता होना या फिर PRI होना या कोई पोस्ट में गवर्नमेंट पोस्ट में होना जरूरी नहीं है। हर नागरिक इस नमो ऐप पे जाए और आपका विकास जो हमारे इस दौरान में हुई है 8 साल में, जो एकदम एक्सलेमरी थे, एकदम एक्सॉर्बिटेंट वे ऑफ वर्किंग है गवर्नमेंट की, वो चीज़ को आप जन जन तक लेके जाइए, लास्ट माइल तक लेके जाइए और वहाँ तक उनको पहुँचाइए कि किस बेनिफिशरी को किस तरह से लाभ मिल सकता है। स्टार्टअप में भी आपकी जो जैसे आपकी मार्केटिंग लिंकेजेस है, आपकी जो बैंकिंग है, उस सेक्टर में आपको जिस तरह से जोड़ा जा रहा है उसके सबका विवरण वहाँ पे है। तो पहला तो है कि हमारा जो नमो ऐप के लिए एक्टिविटी लॉन्च हुआ है, दूसरा जो हुआ है वो एक थीम सॉन्ग हुआ है। तो मैं शशि से आई और आपको थीम सॉन्ग और जो ऐप है वो पहले दिखा दें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर की विजिट है उसके दौरान हमारे कितने कार्यक्रम है उसके बारे में हम विवरण बताएंगे। देख रहे हैं अभी और जो हमने थीम सॉन्ग दिया, कहने को तो ये लगता है कि जैसे हम एक अपने गवर्नमेंट का तो काम करना ही चाहिए, तो इसके बारे में हम इतने विस्तार से क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी जो एकदम हमारा जो सोचने का ढंग है उसको बदल देता है। मैं एक लेमैन की तरह ही आपके सामने जो हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, उसका एक एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट है। अभी हमें भी यकीन हो गया है जब हम ये आंकड़े देखते हैं, 8 साल की जो अचीवमेंट है उसको अगर हम बोलने की कोशिश करें तो 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन क्या काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ। मतलब आप अगर देखें लोकली ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारे अंडमान निकोबार का ही हुआ है, तो वो भी एक मतलब इट इज़ अबव आवर लिमिट्स। लाइक हमने जो 70 साल में पाया नहीं वो आज हम 8 साल में उसको उस उपलब्धि को हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। 2014 में जो हमारा पर पर्सन इनकम था वो 79,000 था और आज अगर आप आंकड़े देखें तो 1,59,000 है। अगर जो यूक्रेन की लड़ाई के बाद कोरोना के इतने भरे आपका जो आपदा आके गई है उसके बाद भी अगर IMF का डिक्लेरेशन देखें तो मालूम चलता है कि जो 22% लोग हमारे गरीब थे उसका जो परसेंटेज है वो चेंज होकर अब 10% हो गया है। और अति गरीब जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन से भी वी टेल देम दैट दे हैव कम टू बिलो पॉवर्टी लाइन से भी गरीब जो माना जाता है वो 1% था, जो अब चेंज होकर 0.08% हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा वो अब पहले $300 था, अब $600 है, $600 मिलियन, यस। यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो 70 इयर्स में हमारे यहाँ 6,37,000 स्कूल्स बने थे और अब 8 साल में इसका आंकड़ा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए सुनिएगा, 53 लाख स्कूल्स बने हैं। अगर फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्ट
प्रोडक्शन में आप अगर ध्यान दें तो फूड कैसे, मैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, बस इसी पे ध्यान दे रही हूँ। वैसे आप इस ऐप पे जाओगे और अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे जो क्लियरली आपको स्कीम्स के बारे में पता चल जाएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 255 मिलियन टन्स था जो अब 360.66 आपका मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ है इस बार। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया इज बीन डिक्लेयर्ड एज मेजर एक्सपोर्टर क्योंकि 418 बिलियन यूएस डॉलर की हमने इस साल एक्सपोर्ट किया है, ये डिक्लेरेशन आई है। एग्रीकल्चर पे अगर हम देखें तो पहले हमारा जो एग्रीकल्चर बजट था वो 23 करोड़ की थी और अब वो 10 times more 1,23,000 इज द अमाउंट गिवन बजट जो है वो एग्रीकल्चर को दिया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखें तो 5 बिलियन डॉलर जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो अब 65% इंक्रीज हो गया है। अगर जीएसटी का देखें तो कलेक्शन अभी 1,67,000, वो तो आपको मालूम ही होगा। ईज ऑफ बिजनेस के बारे में मेरे पास आंकड़ा नहीं है लेकिन तब भी लास्ट जो आंकड़े थे वो 142 से 63 हो चुके थे। और खादी जो जिसे पहनकर हमारे जो बाकी 70 साल से गवर्नमेंट थे वो हमेशा खादी को प्रमोट करने की बात करते थे बट लेकिन इस साल का जो खादी का आपका फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर में आ गया है खादी प्रोडक्ट्स एंड ये 1,50,000 करोड़। गरीब कल्याण जो अन्न योजना था उसमें आपको मालूम ही है 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान, जिसके लिए IMF और WHO ने भी हमारे भारत को बिल्कुल मतलब अलग स्टेज में लेके आके रखा है क्योंकि हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर किसी देश ने सोचा है वो भारत का नाम आता है। इसी तरह से अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, आपकी मातृवंदना योजना हो गई। मातृवंदना योजना में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं महिला हूँ तो आपकी कंसीविंग से लेकर डिलीवरी तक जो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उसको एग्जीक्यूट किया गया है, लास्ट माइल तक पहुँचाया गया है। आखिरी सारे नेट पे आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि अगर आप देखें तो 100 सैटेलाइट्स हमारे लॉन्च हुए हैं। तो 100 सैटेलाइट एक टाइम में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह से डिजिटली 6 लाख विलेजेस को आपको रोडवेज से कनेक्ट कर दिया गया है, 6 लाख विलेजेस को AFC से आपके इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है। आप सोच के देखिए 6 लाख विलेजेस इन 8 ईयर्स। हमारे यहाँ पे जो हम 8 साल का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं वो गुणगान नहीं होता, वो एक्चुअली उपलब्धि है, आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा ये आंकड़े हमारे तक पहुँची है। तो ये काम हुआ है, हमारे लास्ट माइल तक पहुँची है बट लेकिन ये सैचुरेशन नहीं है, तो हमें और काम करना है। तो हमारे कार्यकर्ता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम होंगे अभी उसकी अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे सेंट्रल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर है उन्होंने हमें बोला है कि 8 साल के सेलिब्रेशन को हम लाभार्थियों के तक पहुँचें, जितने बूथ लेवल के लाभार्थी हैं वहाँ तक पहुँचें और हर कार्यकर्ता को 75 आवर्स इन 15 डेज देने की वो उन्होंने प्लेज ली है। वो प्लेज जो है उसमें वो वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं लाभार्थी का और सेम आपके जो हमारे नमो ऐप है जिसमें एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप एज ए सिटीज़न भी कर सकते हैं, कार्यकर्ता भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये लाभार्थी जो है इनको इस स्कीम में लाभ मिला है। और जिसका सबसे ज़्यादा सेवा स्कोर होगा वो प्रधानमंत्री से मिलने का जो मौका है वो प्राप्त करेगा। तो ये कार्यकर्ता के लिए नहीं, सारे सिटीजन्स के लिए है और कार्यकर्ता का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में जितने हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनको हम दायित्व दे चुके हैं और 15 दिन के कार्यकाल में मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिशरीज को डोर टू डोर जो संपर्क है वो किया जाएगा। इसी दौरान हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वीके सिंह जी, उनका भी प्रवास है। वो वीके सिंह जी जनरल वीके सिंह जी उनका भी प्रवास है और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट
सिविल एविएशन, रोडवेज एंड हाईवेज के हैं। तो जब बीके सिंह जी यहाँ आएंगे तो उनके प्रवास के दौरान भी हमारे कुछ कार्यक्रम अभी हमने सॉर्ट आउट किया है। एक तो है हमारा विकास तीर्थ रैली जो 245 फ्लैग पॉइंट से शुरू होगा। और विकास तीर्थ रैली जो है ये बाइक रैली है जो बीके सिंह जी के साथ हम चोलधारी कम्युनिटी हॉल तक करेंगे। चोलधारी कम्युनिटी हॉल में एक भव्य कार्यक्रम जो लाभार्थी सम्मेलन है वो होगा, जिसका संचालन संजय सिंह जी कर रहे हैं। और ये लाभार्थी सम्मेलन जो है वहाँ पे, इसमें हमारे काफ़ी सारे रंगत, मायबंदर, दिघलीपुर को कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रंगत दिघलीपुर को तो हम कनेक्ट कर ही रहे हैं, वहाँ के लाभार्थी भी हमारे मिनिस्टर साहब से इंटरेक्शन करेंगे। इसके बाद हमारी एक इंटेलेक्चुअल मीटिंग है जिसमें हमने सारे बिजनेस एसोसिएट्स और आपके ट्रेडर्स, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है और उनके द्वारा इंटरेक्शन होगा मिनिस्टर का। और हमारे यहाँ के जैसे उड़ान स्कीम है जो डिगलीपुर और कैम्बल बे और पोर्ट ब्लेयर में स्टार्ट करने का था, जो हमारे सी प्लेन स्टार्ट करने का था, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके तरफ से और रोडवेज और हाईवेज में भी जो भी उनकी अपनी जो चर्चा होनी है स्टेक होल्डर्स की, उनकी एक मीटिंग होगी। नेक्स्ट डे जो 6 तारीख को हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनका लाइट एंड साउंड शो, जो ओबीसी मोर्चा इंचार्ज है उसके, वो देख रेख करेंगी। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे स्टेट बेयरर्स हैं वो हमारे अजय जी जो है हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी उनको बता दिया है, उनकी इंटरेक्शन होगी। ये कार्यक्रम जो है इसके बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रैलीज और डिस्ट्रिक्ट में बाइक रैलीज भी और जनसभा भी होगी। तो ये कार्यक्रम जो ख़त्म होता है 7 तारीख को, 7 तारीख के बाद से आपको हम और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डेट्स बताते जाएंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रैलीज होंगे और हमारे जनसभाएं होंगे। 5 तारीख को जी, और जो पाँच को ही होगा, 245 जी। हाँ, उसके बाद हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता थे उनकी, हाँ उनके, ये 6 तारीख को, 6 को लाइट एंड साउंड शो के बाद, 7 को लौटेंगे, हाँ 7 को लौट रहे। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 31st को, आपने हमने जैसे आपको बताया 31st को मंगल स्तर में जो कार्यक्रम हुआ, ये 15 तारीख तक, हाँ ऑल ओवर इंडिया में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है और 15 दिन में अलग अलग कार्यक्रम करके हम भव्य स्तर पर इस सेलिब्रेशन को और जन जन तक पहुँच रहे हैं। इसी दौरान हमारी एक लीफलेट भी बनी है जो हम आज रिलीज कर रहे हैं और हमारी कार्यकर्ता आपके डोर टू डोर लेके जाएंगे इस लीफलेट को। इसमें सारे हमारे जो स्कीम्स हैं और लाभार्थी हैं और कितने लाभार्थी हैं उसकी संख्या बताई गई है। और इसके बारे में भी अगर कोई डाउट है तो नमो ऐप है आपका, जिसका आइकॉन में जाइए और आप पता कर सकते हैं। आने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, और अजय जी के तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ और आप सब की शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आप सब यहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से प्रिंट मीडिया के दौर और से इसे आगे बढ़ाइए और जन जन तक पहुँचाइए और इसकी जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।
Thank you.
तो ये थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर उन्होंने मोदी गवर्नमेंट जी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उनके अचीवमेंट्स थे, जो बीजेपी पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स इंडिया, उसके बारे में बताया। और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिस पर 8 ईयर्स कंप्लीट होने में जो जो उन्होंने कार्य किए हैं उस विषय में एक वीडियो उन्होंने बनाया। और नमो ऐप जो कि डोनेशन उसमें करने का है तो उसमें कई सारी चीज़ें बताई, उसके प्रोसीजर्स बताए उन्होंने कि कैसे नमो ऐप में आप रजिस्टर करके कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और कई सारी स्कीम्स के बारे में भी उन्होंने बताया। और अब तक का इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ उन्होंने ठीक की है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।